मैग्नेटिक डायपोल नाम बहुत सुना सुना हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल एक मैचिंग नाम का टॉपिक हम कर चुके हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर तुम ये बात करो कि इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह है, ये तरह नहीं है, ये तो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम करेगा चैप्टर। तो ये चैप्टर बहुत जल्दी निकल जाएगा, और हो सकता है कि अगले लेक्चर में अगला एक घंटा और लगेगा जो टाइम अभी बचा, और नेक्स्ट लेक्चर का एक घंटा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह चलता है, लेकिन इसके अंदर पॉइंट ये है कि हमने अभी तक पिछले चैप्टर्स में क्या किया मैग्नेटिक इफेक्ट में। आपने देखा होगा हमने हमेशा करंट कैरिंग वायर पर ही काम किया। सबसे पहले हमने करंट कैरिंग वायर ली, उसका बी निकाला, हमने लूप ली उसका बी निकाला, लूप के एक्सिस पे बी निकाला, आर्क पे बी निकाला, हर बार करंट कैरिंग वायर थी। फिर करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की, करंट कैरिंग वायर के बी हम यूज करते आए, पर अब हम बी किसका यूज करेंगे, बार मैग्नेट का। अब करंट कैरिंग वायर बी नहीं जनरेट करेगा, अब बार मैग्नेट बी जनरेट करेगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले बार मैग्नेट्स को स्टडी करेंगे। तो बार मैग्नेट क्या है, ये देखने में आपकी एक बार मैग्नेट है कुछ ऐसे। बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सबको मालूम है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, होते ही होते हैं। दुनिया में कोई ऐसी मैग्नेट मिलेगी नहीं जिसके दोनों नॉर्थ पोल हैं, और ऐसी मैग्नेट भी नहीं मिलेगी जिसके दोनों साउथ पोल हैं, नॉर्थ साउथ ही है। कोई बोला मैं इसको बीच में से काट दूंगा, हाँ तो काट दो, दो हिस्से बना दो, तो भी जो दो मैग्नेट्स बनेंगी ऑटोमेटिकली नॉर्थ के बाद साउथ आ जाएगा, और यहाँ पर नॉर्थ के बाद साउथ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली दूसरा पोल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन पोल्स तो डिफरेंट ही रहेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है किसी भी बार मैग्नेट की, कि जो बार मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट है उसकी लंबाई को, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्री की लेंथ है स्केल से जो मेजर की जाएगी। लेकिन जो पोल्स हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। पोल्स बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं पाए जाते, थोड़े से इनसाइड होते हैं। और ये जो पोल्स की लेंथ है, पोल टू पोल लेंथ है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये है आपकी मैग्नेटिक लेंथ। जो मैग्नेटिक लेंथ है, जो मैग्नेटिक लेंथ है किसी भी बार मैग्नेट की, वो 6/7 टाइम्स उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ के इक्वल होती है। थोड़ी सी अंदर, 7/7 नहीं होती, मतलब इक्वल टू नहीं होती, थोड़ी सी फ्रैक्शन कम होती है। ठीक, ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है। तो आप कहोगे सर ये भी यूज करेंगे ना, ये यूज नहीं करेंगे, मतलब ठीक है इतनी बारीकी भी नहीं जाएंगे, 6 और 7 में ज़्यादा फर्क नहीं मानते, पर लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को एक रस्सी से टांग दें, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो आप इसको एक रस्सी से टांग दें, तो आपने देखा होगा लोगों की जेब में मैग्नेटिक नीडल्स भी होती हैं। पुराने ज़माने में GPS नहीं होता था, मैग्नेटिक नीडल लेके ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे और अपने डेस्टिनेशन में पहुँच भी जाते थे। आज भी पायलट्स के पास मैग्नेटिक नीडल हमेशा होती है जो फ्लाई करते हैं, क्योंकि अगर कहीं गिर जाते हैं और GPS नहीं होगा, मोबाइल टूट गया, तो कहाँ डायरेक्शन ढूंढेंगे, तो मैग्नेटिक नीडल ही हेल्प करेगी हमेशा, तो बाय डिफॉल्ट उनके पास जेब में होगी होगी। तो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करती है नॉर्थ साउथ की तरफ। आपके मोबाइल्स के अंदर भी ऐप है, उसमें मैग्नेटिक नीडल बाय डिफॉल्ट ऐप के अंदर आती है, आपने देखा होगा। तो किसी इवन आपने देखा होगा वो प्रॉपर्टी की लोकेशन देखने भी काम आती है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, कहीं पर भी खड़ा हो तो देख लिया जाता है कि किस तरफ आपका जो है हाउस है। ठीक, तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसका जो नॉर्थ है मैग्नेट का, वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, और मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन ऐसा सुनने में अजीब लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, नॉर्थ तो साउथ को जाना चाहिए, साउथ नॉर्थ को जाना चाहिए, पर होता तो है ही नहीं। मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ गया, बंदा कहता है वो देखो जी अर्थ का नॉर्थ हो रहा, इस तरफ नॉर्थ फेसिंग है, इधर साउथ है तो इधर साउथ फेसिंग, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि 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 अर्थ की मैग्नेट उल्टी है। अर्थ की जो मैग्नेट है, जो आप सोच रहे हो ऐसी नहीं है, अर्थ के अंदर अगर मैं मैग्नेट बनाऊं तो मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे है,
और जब तुम एक मैग्नेट को टांगते हो तो बेचारा वो नॉर्थ जो है वो अपने साउथ को ही ढूंढता है। पर लेकिन ज्योग्राफी के लोग कहते हैं कि ये जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये जियोग्राफिक साउथ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक। तो नीडल में हम कुछ ठीक नहीं बोलते, हमें बोलना चाहिए कि मैग्नेट का नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है। हाँ ऐसे ही बोलते हैं, हम तो अर्थ की ज्योग्राफी देख रहे हैं लेकिन यूज हम मैग्नेट कर रहे हैं तो ठीक ही तो बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैग्नेट कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ ही जाता है। तो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? 2024 में ये ऐसी है, मैं जब से पढ़ा रहा हूं ये ऐसी है, हजारों साल पहले ये ऐसी नहीं थी और कई हजारों साल और लाखों साल के बाद ऐसी नहीं रहेगी। अर्थ के अंदर जो मटेरियल है मैग्नेटिक, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है और जिससे क्या होता है, ये मैग्नेट अपनी एंगल चेंज करती रहती है। हो सकता है किसी दिन लोग ये पढ़ाएं कि अर्थ का मैग्नेट नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है, इस जन्म में तो नहीं, मुझे पता नहीं कितने लाख साल बाद ऐसा हो, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये डायरेक्शंस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होता ही गया है आज, लेकिन ऐसा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी भी मैग्नेट के जो पोल्स हैं ये नॉर्थ है और ये साउथ है, कोई मैग्नेट इसी साइज की आपको बहुत स्ट्रांग दिखेगी और कोई वीक भी दिखेगी, कोई बहुत वीक दिखेगी और कोई मैग्नेट इतना काम ही नहीं करेगी, क्योंकि मैग्नेट की एक स्ट्रेंथ है जो बताती है वो कितनी मैग्नेटिक है और कितना अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं मैग्नेट की पोल की स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का सिंबल छोटा M है, तो मैग्नेट की पोल्स की स्ट्रेंथ M है, छोटा M है, कोई डाउट इसमें? और ये नहीं हो सकता कि एक मैग्नेट लेके आया वो उसका नॉर्थ तो बहुत तगड़ा था साउथ वीक था, ऐसा कभी नहीं होगा। बार मैग्नेट में जितना स्ट्रांग नॉर्थ होगा उतना ही स्ट्रांग साउथ भी होगा, तो पोल स्ट्रेंथ M और M ही होगी, M1 M2 नहीं हो सकती। तो एक मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ M और M ही रहेगी, छोटा M यूज करना है, बड़ा M यूज नहीं करना, छोटा M है, ठीक है यहां तक? और अगर कोई ये कहे कि मैं एक और मैग्नेट ले आया, हाँ तो ले आओ, और ये मान लो नॉर्थ है और ये मान लो उसका साउथ है, पर इसकी पोल स्ट्रेंथ डिफरेंट है, हाँ तो डिफरेंट का मतलब M1 होगी, M1 M2 नहीं होगी, हाँ इससे डिफरेंट है, अलाउड है। हाँ ये हो सकता है M और M ना निकले, कुछ और निकले, पर निकलेगी सेम M1 दोनों पोल्स के लिए, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ डिफरेंट है, इसकी पोल स्ट्रेंथ डिफरेंट है। अब मुझे पता अगर ये मैग्नेट पास आ गई तो साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं सिर्फ इतना डायग्राम ही उठा लूं, वैसे तो ये नॉर्थ भी उस नॉर्थ को या साउथ को अट्रैक्ट करेगा, पर अगर मैं सिर्फ इनकी फोर्स की बात करूं जो कि साउथ और नॉर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स है, और इसका डायग्राम अलग बना दूं, मान लो ये M1 है, ये M2 है, मान लो M2 और ये M1 है और ये डिस्टेंस R है, तो ये पोल इस पोल को अट्रैक्ट करेगा और ये जो फोर्स है इनके बीच में वो डिपेंड करेगी किस पे, इनकी पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट पे और डिपेंड करेगी R के स्क्वायर पे। और अगर मैं इन्हें इकट्ठा करूं तो यह कॉन्स्टेंट लगता है μ0/4π (M1)×M2 / r², इससे बोलते हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये तो कूलम लॉ बन गया, 1/4π ε0 q1 q2 / r². तो जो काम चार्ज किया करता था इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल q, वो मैग्नेट में कौन करेगा, पोल स्ट्रेंथ करेगी छोटा m। पॉइंट समझ में आ रहा है, जो काम स्मॉल q करता था वो काम स्मॉल m कर देगा, तो q1 q2 की जगह m1 m2 हो गया, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? प्रॉपर्टीज क्लियर है? तो इसके अंदर ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, तो ये रेस्ट करती है नॉर्थ साउथ के अलोंग, मैंने आपको कहानी सुना दी। दूसरा, नॉर्थ और साउथ पोल लिटिल इनवर्ड्स होते हैं, तो जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 6/7 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ है। थर्ड प्रॉपर्टी है, ये बता दिया मैंने,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दो पोल्स के बीच में किसके इक्वल होगी, 1/μ0/4πm1m2r² इसे कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और यहाँ करेक्शन कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक इसमें पोल्स आएंगे, मैग्नेटिक पोल्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ नहीं हो सकता, नॉर्थ साउथ होगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये कुछ मैग्नेट की क्या है प्रॉपर्टीज।